दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की शराब नीति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार शराब नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने गुरुवार को एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर ये स्टिंग सही है तो बीजेपी इसे सीबीआई को दे और जांच एजेंसी मुझे गिरफ्तार करे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग पर कहा कि इन्होंने मेरे यहाँ सीबीआई की रेड करवाई, कुछ नहीं मिला, लॉकर तलाशा गया, बच्चे का झुंझुना मिला, अब ये स्टिंग लेकर आए हैं। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा, अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया, अब स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया, एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे थर्सडे आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आज हाफ डे निकल गया, मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग के बेस पे, 4 दिन के अंदर अंदर ये स्टिंग के बेस पे सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर ले अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, और नहीं तो फिर आप मान लेना कि ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से रची गई एक और साजिश है। दिन रात आजकल वहाँ पे सरकारें गिराने के लिए सीबीआई रेड की साजिश, ईडी की साजिश, स्टिंग साजिश, यही काम हो रहा है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर से। तो ये अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जाँच करके, 4 दिन में जाँच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध, अरेस्ट करें मेरे को, मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि ये स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है, और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई।